प्रवेश इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम छोटे बच्चों के दिमाग को जो भूल जाते हैं बातों को, पढ़ाई को या खेल कूद में मस्त रहते हैं, जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, अगर लगता भी है तो पूरी त्वचा के साथ वो अपना काम नहीं करना चाहते, होमवर्क से दिल चुराते हैं या करते पकड़ पढ़ाई करते समय कहीं और कामों में व्यस्त हो जाते हैं, उनकी इस कंसंट्रेशन को पढ़ाई के त्वचों में लगाना, उनकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग को बढ़ाना, इसके साथ साथ उनको पुरानी बातें भी पढ़ी हुई याद रहें, जब भी कभी उसका रेफरेंस आए या उसकी जरूरत पड़े, ये सब बातें छोटे बच्चों के लिए तो चाहिए ही। इसके अलावा जो बड़े स्टूडेंट हैं, एम्प्लाई हैं, कहीं बिजनेसमैन हैं या घर के अंदर बुजुर्ग लोग रहते हैं या महिलाएं हैं, उन सबके लिए भी बहुत जरूरी है। बट इसके लिए क्या किया जाए? बच्चों की चंचलता को संभालना भी बहुत मुश्किल कहूं या ये कहूं कि बहुत कुशलता से संभालना पड़ता है। बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको घर के अंदर समय समय पर करना चाहिए। बच्चों को दोपहर में कम से कम 1 से 2 घंटे सुला देना चाहिए। रात को भी कम से कम 6 से 7 घंटे बच्चे पूरी पक्की नींद सोएं। टेलीविजन और मोबाइल का प्रयोग कम करें। उनके साथ माँ बाप को या भाई बहन को या उनका ऐसा फ्रेंडशिप का सर्कल हो जो गिनती के अंदर मिसिंग नंबर को ध्यान करें, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये अर्थमेटिक के जितने फार्मूले हैं, जमा घटा गुणा भाग, उसकी प्रैक्टिस किया करें मिसिंग नंबर्स की। और डिक्शनरी से नए नए वर्ड, चाहे वो अखबारों से लें, अपने बुक से लें या किसी भी जगह से लें, नए नए वर्ड सीखें और उनके स्पेलिंग याद करें, उसके साथ साथ उसका मतलब भी समझें। जब बच्चे कभी कोई सवाल पूछें तो जिससे वो पूछ रहे हैं वो उस प्रश्न का सही तरीके से प्यार से उसको उसके सवालों का जवाब समझाएं, ना कि उसको अवॉइड करें या उसको डांट फटकार मारे। उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ इंडोर या आउटडोर गेम खेलें, रात को सोने से पहले अच्छी अच्छी बातें करें ताकि उनको एक साउंड स्लीप आए। ये तो है उनके साथ हमने कैसा व्यवहार बरतना है, बट उनको खिलाने के लिए भी कुछ ऐसी चीजें घर में मिल जाती हैं। एक पाउडर बना के रख लें जिसके अंदर बादाम, चीनी, सौंफ, खरबूजा का बीज, कद्दू का बीज, केसर, पिस्ता और काजू, ये और इसके अंदर जायफल, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च के दाने या सफेद मिर्च, हल्दी पाउडर, इनको जो तो बड़े नट्स हैं वो तो आप 20 से 25 ग्राम ले लें, और जो ये दालचीनी काली मिर्च है, इलायची है, इलायची के 10 दाने ले लें, दालचीनी के 2 टुकड़े लें, काली मिर्च 15-20 लें, हल्दी 1 चम्मच लें, इन सबको अच्छी तरीके से ग्राइंडर में पीस लें और एक एयर टाइट डब्बे में रख दें। रोज सवेरे बच्चे को गुनगुने दूध के साथ छोटी चम्मच या बड़ी चम्मच आदि खिला दें और दूध पिला दें। इससे बच्चे का दिमाग तेज हो, ये जो पाउडर बनाने से पहले इनको धीमी आंच में भून लें ताकि ग्राइंड करने में आसानी होती है और फ्लेवर भी सही आती है। बच्चों को चीनी की बजाय गुड़ खिलाना शुरू करें। इसके अलावा शंख पुष्पी का चूर्ण बाजार में आयुर्वेद दुकान से मिल जाता है, उसका 1/2 चम्मच बच्चों को खिलाते रहें। इससे बच्चों की याददाश्त तेज होगी और उनको ये पौष्टिक आहार मिल जाएगा, उनकी श्रवण शक्ति बढ़ेगी, भूलने की जो उनकी आदत है वो खत्म हो जाएगी। ये भी सिर्फ नहीं है, सिर्फ याददाश्त नहीं है, इसमें शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। उनकी चिंता कम करेंगे, क्रोध कम आएगा और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, जो काम कर रहे हैं उसमें व्यस्त रहेंगे और पूरी तवज्जो के साथ अपना काम करेंगे। ये छोटी सी टिप है जो हमारे ब्रेन को बूस्ट करती है और हमारी हेल्थी ब्रेन की मेमोरी भी बढ़ाती है। ये छोटे बच्चों का विकास करना हमारे माँ बाप के लिए, हमारे टीचर और घर में भाई बहन बड़े हैं या छोटे हैं, सबका एक बहुत जरूरी कर्तव्य है, क्योंकि जितने बच्चों का विकास होगा उतना हमारा देश का विकास होगा। जितने हमारा दिमाग तेज होगा उतनी बड़ी चीजों को हम याद रखेंगे और अपने काम में बहुत बड़ी बड़ी तरक्की करेंगे, भूलेंगे नहीं। मैं आशा करता हूँ ये छोटी छोटी टिप्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई, इसको बच्चों को कराएं और खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड सर्कल में पर्सनली भी बताएं, बच्चों के लिए फायदेमंद जब कभी जरूरत पड़ती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।